तुम ना बिल्कुल भी लेट मत करना और टाइम पर आना घर पे। एक मिनट, ये तुम्हारे पीछे कौन है? अरे कोई भी नहीं है मेरे पीछे। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं बैक कैमरा करके तुम्हें अभी दिखाती हूँ। और ये देखो। देखो तुम ना मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। तुम मुझे ना सच सच बताओ कौन था वो तुम्हारे पीछे? अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं क्यों भला तुमसे झूठ बोलूंगी? और इस घर में ना मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तुम पागलों जैसी बात क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला ना कि यहाँ पे मेरे अलावा कोई भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं ना तो मैं तुम्हें पूरा कमरा चेक करवा देती हूँ, फिर तो विश्वास हो जाएगा ना। ये देखो मेरे पीछे है कोई, दिख रहा है? और यहाँ पे भी देखो, तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा ना। ये देखो इस जगह है कोई, दिख रहा है तुम्हें कोई? नहीं दिख रहा ना, मैं अभी और दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, दिख रहा है? दिख रहा है कोई? दिख रहा है तुम्हें? यहाँ देखो, दिखा कोई? कोई भी नहीं है। और यहाँ देखो, दिख रहा है कोई? बोल रहे जो मैं तुम्हें कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, पता नहीं कैसी बातें करते हो। देखो तुम ना मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है तुम्हारे पीछे कोई ना कोई था, और तुम मुझे ऐसे नहीं बताओगे ना। रुको मैं अभी घर आ रहा हूँ और मैं खुद देख लूंगा कि घर में कौन है। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं ना तो तुम अभी घर आ रहे हो ना, तो तुम खुद आके देख लेना ठीक है। यार आज तो तुम मुझे मरवा ही दोगी। अरे यार तुम टेंशन क्यों लेते हो, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं सब संभाल लूंगी। पर यार वो तो अभी घर आने वाले हैं। अरे उनको आने में ना अभी आधा घंटा लगेगा, और जब तक तो हमारा काम हो ही जाएगा। अरे तुम क्यों टेंशन लेते हो, जब तक वो आएंगे हमारा सारा काम हो जाएगा और तुम्हारे बारे में ना किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। अरे जसमीत, जसमीत कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ जसमीत। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? जसमीत मैं तुम्हें इतने देर से आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ थे तुम? और तुम्हें तो सुनाई नहीं दे रही थी मेरी आवाज। अरे मैं बाथरूम में थी। ओ अच्छा, और तुम्हारा फोन बंद आ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ मेरे से बात करने के बाद तुमने अपना फोन बंद क्यों कर दिया? मेरा फोन ऑफ हो गया था इसलिए मैं चार्जिंग पे लगा के चली गई थी, और वैसे भी मैं चार्जिंग पे फोन लगा के गई थी, और इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तुम मुझे अब सच सच बताओ कि जब मैं वीडियो कॉल पे तुमसे बात कर रहा था तुम्हारे पीठ के पीछे कौन था? अगर तुम बता दोगे तो मैं चिल्लाऊंगा नहीं, तुम सच सच बताओ कौन था तुम्हारे पीछे? अरे मैं तुम्हें 10 बार बोल चुकी हूँ ना कि मेरे पीछे कोई भी नहीं था, तुम बार बार एक ही बात को क्यों पूछे जा रहे हो? तो मैंने भी तुमसे 10 बार बोल दिया कि मैंने अपने आंखों से देखा था कि तुम्हारे पीछे कोई था। तुम ना मुझे सच सच बताओ मेरे पीठ पीछे कौन आता तुमसे मिलने के लिए, बताओ जल्दी। अरे हमारी शादी को इतना टाइम हो गया और तुम भी उसके बावजूद मेरे ऊपर शक कर रहे हो। देखो जसमीत मैं ना तुम पे कोई शक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने खुद ही अपने आंखों से देखा था कि तुम्हारे पीछे कोई था। अब तुम मुझे ना बिल्कुल सच सच बताओ कौन था वो, वरना तुम्हारे लिए ना अच्छा नहीं होगा। अरे मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ ना, और मैं तुम्हारे पीठ पीछे इतना गलत क्यों करूंगी? तुम पागल हो गए हो क्या, क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? वो अच्छा तुम मुझे कुछ भी नहीं बताने वाली हो, इसका मतलब तुम्हारा बाहर किसी से चक्कर चल रहा है। तो ठीक है फिर मैं आज तुम्हारे से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ और मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। रुको, अरे कुणाल तू यहाँ पे? हाँ मैं यहाँ पर, और ये सब मेरा ही प्लान था, और आपने जिसको वीडियो कॉलिंग पे देखा था ना वो भी मैं ही था, और मैंने ही दीदी को मना किया था आपको बताने से, और आप दीदी पे चिल्लाइए मत। अरे यार फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कुणाल आ रखा था और तुम्हारे पीछे कुणाल ही था? और मैं करती भी क्या, कुणाल ने ही मुझे मना करा था तुम्हें बताने के लिए, और इन्होंने बोला था कि हम सरप्राइज देंगे। अरे सरप्राइज, लेकिन किस चीज का सरप्राइज? आप शायद भूल गए कि कल आपका जन्मदिन है, तो हम दीदी और मैंने सोचा हम आपको सरप्राइज दें, पर आज आपने सब कुछ चौपट कर दिया। अरे यार मैं काम में इतना ज्यादा बिजी था कि मुझे कल याद ही नहीं था कि कल मेरा जन्मदिन है, और मैं खामी पीली तुम पे शक कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है ना ये काम किसी दिन मुझे लेट डूबेगी, और सॉरी यार मैं तुम दोनों पे खामी पीली शक कर रहा था, और यहाँ पे तो तुम मेरे जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। वो तो मैं बाहर आता ही नहीं, मैं तो तैयारी में ही लग रहा था, फिर आपने दीदी से रिश्ता खत्म करने की बात करी तो मुझे आना पड़ा। अरे यार मैं जब जसमीत से बात कर रहा था तो मैंने तेरे को देख लिया था, और मैं तुम पे खामी पीली शक कर रहा था। जसमीत से इतना बार पूछा कौन है, जसमीत ने बताया भी नहीं, इसलिए मैंने तुम पे शक करा, पर यार तुम तो ये कर रहे थे। और जसमीत सॉरी कि मैं तुम पे शक कर रहा था, मुझे माफ कर देना। और तुम क्या बोल रहे थे तुम मुझे? चलो आप दोनों अपनी बात करो, मैं जाता हूँ। कोई बात नहीं अब तुम जाओ। अरे यार सॉरी ना, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे पे शक करा। यार तू बता ही नहीं रही थी कि तेरे पीछे तेरा भाई है, इसलिए मैंने शक करा। यार इस बार माफ कर दे, आगे से मैं कभी तुम्हारे पर शक नहीं करूंगा। ओ अच्छा तो तुम अब सॉरी बोल रहे हो, और अभी जो थोड़ी देर पहले तुम मेरे पर शक कर रहे थे वो सब क्या था? और हमारी शादी को तो अभी 3 ही साल हुए, और तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। वो तो अच्छा हुआ कि टाइम रहते मुझे सब कुछ पता चल गया कि तुम मेरे ऊपर कितना विश्वास करते हो और कितना नहीं। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो पता ही है मैं काम में कितना बिजी रहता हूँ, और उसके बाद भी तुमसे बात कर रहा था, और तुम्हारे पीछे मैंने इसको देख लिया। उसके बाद यार मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए यार मैंने तुम पे शक करा, गुस्से में तुम्हें पता नहीं ना जाने मैंने क्या क्या कुछ नहीं बोल दिया। प्लीज़ यार मुझे इस बार माफ़ कर दे, और आगे से मैं कसम खाता हूँ कभी तुम पे शक नहीं करूँगा।
मैं ऐसे माफ नहीं करूंगी। चलो अपने कान पकड़ो। ठीक है, अब तो माफ कर दो यार मुझे। अच्छा चलो ठीक है, आज तो मैंने माफ कर दिया, लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, समझ गए तुम? अरे यार चलो जाके अब कुणाल को देख लो, क्या पता वो मुझसे नाराज हो गया हो, क्योंकि तुम उसकी बहन हो और मैंने तुम पे इतना शक करा और तुम पे खामी पे इतना चिल्लाया। एक बार जाके देखो उसे। चलो मैं देखती हूँ।